Hello students, today we have studied chapter number 5 which name has acid, base and salt. तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि एसिड क्या होता है, एसिड की प्रॉपर्टी क्या होती है, बेस क्या होता है और सॉल्ट क्या होता है, वो हम इस चैप्टर में हम थोड़ा सा पढ़ने वाले हैं. ओके, तो आज हम स्टार्ट करते हैं एसिड एंड बेस. एसिड एंड बेस. वी ईट अ वैरायटी ऑफ फूड आइटम. हम कई कई सारी फूड आइटम्स हम खाते हैं. वी ईट अ वैरायटी ऑफ फूड आइटम सब्सटेंस लाइक ऑरेंज, लेमन, कर्ड, आमला, विनेगर इटीसी. ऑरेंज, लेमन, कर्ड, आमला, विनेगर इटीसी. दे आर शॉर्ट इन अ टेस्ट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एसिड इन देम. मीन्स जिस जिस चीज़ में अगर एसिड अंदर इन्वॉल्व रहेगा तो वो हमको शॉर लगेगा. मीन्स शॉर मीन्स खट्टा लगेगा. क्या होगा तो उसके अंदर लाइक ऑरेंज होगा, लेमन, कर्ड, आमला, विनेगर, ये सब अगर किसके अंदर रहेगा तो उसके प्रेजेंस के कारण, मीन्स एसिड के प्रेजेंस के कारण वो कैसा लगेगा. एसिड के प्रेजेंस के कारण वो उसका टेस्ट कैसा लगेगा, खट्टा लगेगा. तो खट्टा मीन्स सॉर. द केमिकल नेचर ऑफ सब्सटेंस इज एसिडिक. द केमिकल नेचर ऑफ सच अ सब्सटेंस इज एसिडिक. मीन्स जिस सॉल्यूशन में अगर ऑरेंज रहेगा, लेमन रहेगा, कर्ड रहेगा, आमला रहेगा, विनेगर रहेगा तो वो टेस्ट में सॉर लगेगा. और ये जो सॉल लगेगा उसके कारण वो हमको कैसा लगेगा, एसिड. या तो उसका नेचर कैसा लगेगा हमको, एसिडिक. और हम क्या कह सकते हैं कि उसके अंदर एसिड है. द वर्ड एसिड कम्स फ्रॉम, कहाँ से आया, लेटिन वर्ड ऑफ एकर. कहाँ से आया, एकर. और एकर का मीनिंग क्या होता है, शॉर्ट. एकर का मीनिंग क्या होता है, शॉर. और एकर के नाम से ही क्या आया, एसिडिक. एसिड आर टू टाइप्स, मिनरल एसिड एंड ऑर्गेनिक एसिड. मीन्स मिनरल एसिड भी होते हैं और ऑर्गेनिक एसिड होते हैं. सब्सटेंस लाइक सॉप डिटर्जेंट आर बिटर इन टेस्ट एंड सॉपी टू टच. दीज आर नोन बेसिस. मीन्स जो सॉप के अंदर और डिटर्जेंट के अंदर जो होता है वो क्या होता है, बेस होता है. द केमिकल नेचर ऑफ सब्सटेंस इज बेसिक. सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इत्यादि. बेस में क्या क्या आता है, सोडियम आता है, पोटेशियम आता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आता है एंड बेसिस. सम सब्सटेंस आर नाइदर एसिडिक और बेसिक, दे आर न्यूट्रल. फॉर एग्जांपल डिस्टिल वाटर, सुगर सॉल्यूशन, सॉल्ट, इटीसी इन न्यूट्रल सब्सटेंस. ओके, इसमें हमने क्या पढ़ा, एसिड, बेस एंड न्यूट्रल. एसिड, एसिड मीन्स इसमें क्या पढ़ा, ऑरेंज, लेमन, कर्ड, आमला, विनेगर. उसका टेस्ट कैसा होता है, श्योर. और ये सॉर टोस्ट होता है, इसके कारण ये कैसा लगता है हमको, एसिडिक लगता है. ये कैसा लगता है, एसिडिक. सॉप डिटर्जेंट के अंदर जो रहता है वो क्या होता है, बेस होता है. सॉप डिटर्जेंट के अंदर क्या रहता है, सोडियम रहता है, पोटेशियम रहता है और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रहता है. और कुछ सब्सटेंस तो ऐसे होते हैं कि जिसमें एसिड वाली की भी प्रॉपर्टी नहीं होती और बेस वाली भी प्रॉपर्टी नहीं होती. तो एसिड वाली और बेस वाली किसी की प्रॉपर्टी नहीं होती तो इसको हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रल बोलते हैं. ओके, यहाँ पे कुछ नाम दिए हुए हैं ऑर्गेनिक एसिड के. तो कौन कौन से, एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन सी, आंवला में रहता है और साइट्रस फ्रूट में रहता है. फिर साइट्रिक एसिड, वो किस में रहता है, साइट्रस फ्रूट. कौन कौन से वाले, तो लेमन और ऑरेंज. लैक्टिक एसिड कहाँ पे रहता है, कर्ड में रहता है. टार्टेनिक एसिड, टार्टेरिक एसिड किस में रहता है, टैमेराइट, ग्रेप्स एंड अनराइप मैंगो. एसिटिक एसिड किस में रहता है, विनेगर. ऑक्सेलिक एसिड किस में रहता है, स्पाइनेच. मैलिक एसिड किस में रहता है, एप्पल. फॉर्मिक एसिड, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है. फॉर्मिक एसिड, जब बी स्टिंग, बी आपको काटेगा तो उसमें से कौन सा एसिड निकलता है, तो फॉर्मिक एसिड. फिर से कौन कौन सा एसिड है, फर्स्ट एस्कॉर्बिक, वो कहाँ पे, आमला, साइट्रस फ्रूट. सेकंड साइट्रिक एसिड, वो किस में रहता है, साइट्रस फ्रूट सच अ लेमन, ऑरेंज. थर्ड क्या है, लैक्टिक एसिड. लैक्टिक एसिड किसके अंदर रहता है, कर्ड. फिर क्या है, टार्टरिक एसिड. टार्टरिक एसिड किस में रहता है, टैमेराइट, ग्रेप्स, अनराइप मैंगो. फिर एसिटिक एसिड, वो किस में रहता है, विनेगर. ऑक्सैलिक एसिड, वो किस में रहता है, स्पाइनेच. मैलिक एसिड किस में रहता है, एप्पल. फॉर्मिक एसिड किस में रहता है, पीसिंग्स. ओके, फिर से एसिड, एसिड मीन्स जो आपको टेस्ट में शॉर्ट लगता है वो सब किस में आता है, एसिड में आता है. फिर यहाँ पे कुछ नेम ऑफ बेस, बेस के नाम है, एक है सोडियम हाइड्रोक्साइड. तो सोडियम हाइड्रोक्साइड किस में रहता है, शॉप में. सोडियम हाइड्रोक्साइड किस में रहता है, शॉप में. अमोनियम हाइड्रोक्साइड किस में रहता है, विंडो क्लीनिंग सॉल्यूशन. जो हम विंडो साफ करते हैं उसमें कौन सा सॉल्यूशन रहता है,
अमोनियम हाइड्रोक्साइड, फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लाइम वाटर, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सोप, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मिल्क ऑफ मैग्नीशियम। फिर से ऑर्गेनिक एसिड में एस्कॉर्बिक एसिड, साइट्रिक एसिड, लैक्टिक एसिड, टार्ट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड, मैलिक एसिड, फॉर्मिक एसिड। तो नेचुरल सोर्सेज एस्कॉर्बिक एसिड किस में से मिलेगा, तो साइट्रस फूड में, आंवला। साइट्रिक एसिड तो साइट्रस फूड लेमन ऑरेंज, फिर लैक्टिक एसिड कर्ड, फिर कौन सा है टार्टरिक एसिड तो टर्मिनेट ग्रेप्स अनराइप मैंगो, एसिटिक एसिड विनेगर में, ऑक्सैलिक एसिड स्पाइनस। इसमें से कुछ भी दिया होगा कि इसमें कौन सा एसिड है तो आपको लिखना आएगा ना, कि शायद ऐसा पूछ ले कि आंवला में कौन सा एसिड रहता है तो एस्कॉर्बिक, फिर ऐसा पूछ ले कि विनेगर में कौन सा एसिड होता है तो एसिडिक एसिड, फिर ऐसा पूछ ले कि एप्पल में तो मैलिक, फिर अगर बी आपको काटता है या बी स्टिंग करता है तो इसमें फॉर्मिक एसिड, फिर ऐसे ही पूछ लेगा कि सोप, सोप के अंदर कौन सा बेस है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, विंडो क्लीनिंग में क्या है अमोनियम हाइड्रोक्साइड मिस NH फॉर OH, लाइम वाटर में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH ट्वाइस, सोप में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम में मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH ट्वाइस, क्या रहता है MgOH ट्वाइस। ओके, फिर हम आगे देखेंगे नेचुरल इंडिकेटर, हम क्या पढ़ेंगे नेचुरल इंडिकेटर। देखो हर बार तो ऐसे कुछ होता नहीं, हमको अगर कोई सब्सटेंस पता नहीं है तो आप हम इसको टेस्ट नहीं करेंगे कि ये सॉल्ट है तो एसिड है, कुछ ऐसा भी होता है जो आपकी टंग को भी जला भी देता है, तो इसके कारण क्या करता है वी कैन नॉट टेस्ट एवरी सब्सटेंस, हम एवरी सब्सटेंस को टेस्ट नहीं करेंगे कि वो एसिड के बेस है, तो इसमें क्या करेंगे इनफैक्ट टेस्टिंग एन अननोन सब्सटेंस कैन बी डेंजर, कभी भी डेंजर भी हो सकता है क्योंकि हमको पता नहीं है वो क्या है, कभी भी पॉइजन भी हो सकता है। टू चेक वेदर अ गिवन सब्सटेंस इज एसिडिक बेसिक वी यूज स्पेशल सब्सटेंस, मीन्स इंडिकेटर एक ऐसा सब्सटेंस है जिसको हम एसिडिक या किसी भी सॉल्यूशन में डालेंगे तो पता चल जाएगा कि वो एसिड है कि बेस है। दिस इंडिकेटर चेंज कलर, वो इंडिकेटर क्या करेगा सॉल्यूशन का जो कलर है ना उसको चेंज कर देगा व्हेन एडेड टू एन एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन, जब भी इंडिकेटर के अंदर एसिडिक या तो बेसिक सॉल्यूशन को आप ऐड करोगे तो वो क्या करेगा आपको इंडिकेशन देगा, किससे इंडिकेशन देगा वो कलर चेंज कर देगा। इंडिकेटर दैट आर प्रिपेयर फ्रॉम फ्लावर, किसमें से बनता है इंडिकेटर फ्लावर में से बनता है, चाइना रोज पेटल्स रूट्स में, बेट रूट्स स्टेम्स टर्मेरिक एंड लीव्स रेड कैबेज ऑफ प्लांट, किस किस में से बनता है इंडिकेटर फ्लावर्स चाइना रोज पेटल्स रूट्स तो बेट रूट्स स्टेम्स टर्मेरिक लीव्स रेड कैबेज और प्लांट, और ये सब क्या है नेचुरल इंडिकेटर, ये सब क्या है नेचुरल इंडिकेटर। फिर लिटमस इज अनदर नेचुरल इंडिकेटर ऑप्टेन फ्रॉम लिंचिस। ओके लिटमस, देखो लिटमस में आपको बता देता हूँ लिटमस में क्या रहता है कि अगर एसिड होगा ना तो वो ब्लू लिटमस पेपर को रेड बनाएगा, और अगर बेस है ना तो वो लाल लिटमस पेपर को ब्लू बनाएगा, मीन्स ब्लू में से रेड तो एसिड और रेड में से ब्लू तो बेस। ओके ऐसे हम पता कर सकते हैं कि वो क्या हो जाएगा। ओके तो देखो लेमन जूस में वो तो पहले से ही एसिड है तो उसमें लिटमस पेपर की कोई इफेक्ट ऑफ रेड का तो कुछ बनेगा नहीं, लेकिन अगर ब्लू होगा तो ब्लू का क्या बन जाएगा वो रेड बन जाएगा, तो ये क्या हो गया एसिड। वैसे देखो कोई और ले लेते लाइक हमको पता है कि वॉशिंग सोडा किस में आता है, हमको पता है वॉशिंग सोडा किस में आता है हाइड्रोक्साइड मीन्स बेस में आता है, तो बेस मैंने बताया बेस क्या करेगा रेड लिटमस पेपर को ब्लू बनाएगा, तो देखो यहाँ पे रेड लिटमस पेपर लिया था तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा। ब्लू में से रेड हो रहा है तो एसिड, तो देखो यहाँ पे जहां जहां पे एसिड लिखा है वो ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट करता है, ब्लू को रेड में, और जहां जहां पे बेस लिखा है वो रेड को ब्लू में कन्वर्ट करता है, वो क्या करता है रेड को ब्लू में, एसिड है तो ब्लू को रेड में और बेस है तो रेड को ब्लू में, तो जब देखो जहां पे एसिड लिखा है वो ब्लू को रेड में करता है और जहां जहां पे बेस लिखा है वो रेड को ब्लू में कन्वर्ट करता है, और जो न्यूट्रल होता है वो तो किसी भी लिटमस पेपर को चेंज नहीं करता, तो सिंपल ब्लू में से अगर रेड लिटमस पेपर हो रहा है तो एसिड है, रेड में से ब्लू लिटमस पेपर होता है तो बेस है, और रेड भी
नहीं होता, ब्लू भी कोई भी चेंज नहीं होता, तो वो वाला लिटमस पेपर आपका कौन सा रहेगा, सॉरी वो वाला सॉल्यूशन आपका कौन सा रहेगा, न्यूट्रल रहेगा।